हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज डॉक्टर छविकर. वेलकम टू माय चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन. आज मैं आपको लेक्चर दूंगी बीएड का, सेकेंड ईयर का जो आपका सब्जेक्ट है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी. उसमें एक आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वो होता है कि जेंडर संवेदनशीलता के लिए टीचर को कौन कौन सी पेडागॉजिकल विधियाँ अपनानी चाहिए. इसमें वो तीन चार विधियाँ भी पूछ सकते हैं, आपका शॉर्ट क्वेश्चन में एक या दो विधियाँ भी पूछ सकते हैं. तो देखिए, टीचर को कौन कौन सी पेडागॉजिकल विधियाँ अपनानी चाहिए जेंडर सेंसिटिवनेस के लिए. तो सबसे पहले हम समझेंगे जेंडर संवेदनशीलता किसे कहते हैं. देखिए, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें छात्र भी होते हैं और छात्राएं भी होती हैं. अगर आप इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपके पढ़ाने से बच्चों के मन में ये भेदभाव उत्पन्न हो जाता है कि लड़के ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं और लड़कियां कम अच्छे से काम करती हैं, तो इस तरीके से आप क्या करें, लड़के लड़कियों में भेदभाव करें, तो इससे लैंगिक असमानता आती है. तो टीचरों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि बच्चों के मन में भी कोई भी जेंडर से रिलेटेड असमानता ना हो, सब अपने को बिल्कुल बराबर समझे कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, अगर लड़के किसी फील्ड में आगे निकल सकते हैं तो लड़कियां भी जो हैं उस फील्ड में आगे निकल सकते हैं. कहने का मतलब है कि दोनों बिल्कुल बराबर हैं, दोनों ही बिल्कुल समान हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है. तो आप हर फील्ड में, शिक्षा के भी हर फील्ड में और जिंदगी के भी हर फील्ड में, आप कोई सा भी बिजनेस हो, तो लड़कियां भी समान रूप से उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं और अपना परचम लहरा सकती हैं. तो इसके लिए टीचरों को कौन कौन सी पेडागॉजिकल विधियां होनी चाहिए जिन्हें वो अपनाएं. तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे कि वो कौन कौन सी विधियां. सबसे पहले है शिक्षण प्रशिक्षण. इसका मतलब है कि टीचरों को एक ट्रेनिंग दे दी जानी चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. इसके लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए. वहाँ पे बताना चाहिए कि जब आप क्लास में बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो तो जाने अनजाने आप कितनी बार लैंगिक असमानता को लेके आ रहे हो. फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई एग्जांपल दे रहे हो कि आपके पिताजी जो हैं पैसा कमाकर लेकर आते हैं और माता जी उस पैसे से बहुत अच्छे से घर को चलाती है, तो ये एग्जाम्पल्स करके आप क्या बताना चाह रहे हो कि घर चलाने का काम माता जी का है और कमाने का काम पिताजी का है. तो इससे जाने अनजाने लैंगिक असमानता आती है. तो आपको एग्जाम्पल क्या देना चाहिए कि रजनी की माता जी बैंक में काम करती हैं और वो पैसे कमा कर लेकर आती हैं और उससे वो बहुत अच्छे से घर का खर्च चलाती हैं. तो आपने रजनी की माता जी को एक कमाने वाले सदस्य के रूप में भी दिखाया और घर का काम काज करते हुए भी दिखाया. तो इस तरह का हमें टीचरों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स को भी नहीं पता होता है कि वो इस तरह के एग्जाम्पल दे देते हैं कि जिससे लैंगिक असमानता आती है. तो हमें फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में टीचरों को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आप इस तरह के एग्जाम्पल ना दें, बल्कि आप ऐसे एग्जाम्पल दें जिससे कि बच्चों के मन में, लड़के लड़कियों में असमानता ना हो के समानता की फीलिंग आए. तो इस तरह से एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए. नेक्स्ट है खेल कूद में समान भागीदारी. टीचरों को चाहिए कि जब भी वो खेल कूद कराएं, जब भी गेम्स का पीरियड हो, तो उसमें लड़के लड़कियों की समान भागीदारी. कभी कभी हम देखते हैं कि टीचर भी क्या करते हैं, लड़कियों को कहते हैं चलो तुम मत खेलो, लड़के खेल लेंगे क्योंकि धूप हो रही है, लड़के तो सह लेंगे तुम नहीं सह पाओगे. तो ये तो गलत है. आप शुरू से ये सिखा रहे हो कि लड़कियां बहुत नाजुक हैं, वो कोई भी साहसिक कार्य नहीं कर सकती हैं, तो ये लैंगिक असमानता लेकर आ रहा है. तो टीचर को चाहिए कि वो लड़के लड़कियों दोनों को मोटिवेट करें कि जब गेम पीरियड है तो सभी को बराबर रूप से खेलना है. क्रिकेट अगर लड़के खेल रहे हैं तो क्रिकेट का गेम लड़कियों को भी खिलवाना है. अगर खो खो लड़कियां खेल रही हैं तो खो खो आपको लड़कियों से भी खिलवाना है. शतरंज अगर लड़के खेल रहे हैं तो लड़कियों को भी सिखाना है. तो गेम्स में आपको समान साझेदारी करनी है. इससे बच्चों को लगता है कि हम सब बराबर हैं और हम सबको क्लास में एक ही तरह से काम करना है और खेल कूद में भी एक तरीके से ही पार्टिसिपेट करना है. नेक्स्ट है लैंगिक तटस्थ भाषा का प्रयोग.
टीचरों को चाहिए कि वो लैंगिक तटस्थ भाषा का प्रयोग करें, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग है, वो सिर्फ यही ना कहे कि अपने पिताजी को बुला के लेके आना, या आपने कोई गलती कर दी है तो कल अपने पिताजी को बुला के लेके आना। इससे क्या मन में फीलिंग जाती है कि भाई अगर हम गलती कर देते हैं तो पिताजी को ये राइट है हमें डांटने का, और पिताजी ही हमें सुधार सकते हैं, तो इससे एक लैंगिक ऐसा मानता आती है। तो हमें जो है ना पिता का नाम लेना चाहिए ना माता का नाम लेना चाहिए, हमें लैंगिक तटस्थ वर्डों का नाम लेना चाहिए, जैसे अपने पेरेंट्स को बुला के लेके आना, अपने अभिभावक को बुला के लेके आना। अब अभिभावक और पेरेंट्स में माता भी आते हैं और पिता भी आते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लैंगिक तटस्थ भाषा का प्रयोग करें। नेक्स्ट है, लड़के लड़कियों को अलग अलग नहीं बिठाना चाहिए। टीचरों को चाहिए कि वो लड़कों की अलग रो ना बनाए और लड़कों की अलग रो ना बनाए, सबको मिक्स करके बिठाए, तो इससे पता चलता रहता है कि लड़के लड़कियों का किस तरह से प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है, उनके अंदर एक असमानता की फीलिंग नहीं आ रही है भाई लड़कों को अलग से असाइनमेंट दिया जाएगा और लड़कियों को अलग से असाइनमेंट दिया जाएगा क्योंकि हमें अलग अलग बिठाया है। तो ये छोटी छोटी बातों से ही जो है बच्चों के मन में एक प्रभाव डालता है कि लड़के अलग हैं और लड़के अलग हैं। तो टीचर को चाहिए वो अलग अलग ना बिठाएं, सबको मिक्स करके बिठाएं, बिठाएं तो उनको ग्रेडिंग के बेसिस पे बिठाएं कि भाई ये वाली रो जो है अल्फाबेटिकली है कि इस पे पहले ए नाम के बच्चे बैठे हैं फिर बी नाम के, लड़के लड़कियों के हिसाब से भेदभाव ना करके उनको जो है अल्फाबेटिकली जो है उसके हिसाब से आप उनको बिठा सकते हैं। नेक्स्ट है, लड़के लड़कियों को कक्षा की गतिविधियों में समान अवसर देना। देखिए हम देखते हैं कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, साइंस का कोई मॉडल बनाना है तो जो हार्ड से मॉडल है जो साइंस के मॉडल है वो हम लड़कों को दे देते हैं और लड़कियों को सिर्फ उस टीम का मेंबर बना देते हैं कि भाई लड़कियां उसमें हेल्प करेगी और लीडर जो है लड़का होगा, क्योंकि आपको लड़कों पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं। आपको कोई भी अगर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करानी है तो आप क्लास में पेंटिंग का काम, रंगोली बनाने का काम और सिंगिंग का काम या डांस का काम तो या म्यूज़िक का काम आप लड़कियों को देते हैं और लड़कों को थोड़े से साहसिक कार्य देते हैं, तो ये बिल्कुल जो है आप उनको लड़कों को डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम देते हैं या कोई और एक्टिविटी देते हैं, तो इस तरह से आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, आपको दोनों को ही समान सहदारी देनी चाहिए। कभी कभी टीचर क्या करते हैं, लड़कों को कहते हैं भाई आपको मैथ्स लेना है कि लड़कियां मैथ्स में वीक होती हैं, उनसे कहते हैं आप मैथ्स मतलब आपसे चलेगा नहीं और लड़कों को मैथ्स दिलवाने के लिए मोटिवेट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप बचपन से ही बच्चों में ये डाल देंगे कि लड़कियां मैथ्स नहीं कर सकती तो वो बिल्कुल गलत है, उनके मन में मैथ्स के लिए हौवा बैठ जाता है। तो आप अपने आसपास भी देखिए, लड़कियां हमेशा मैथ्स से बचती हैं और लड़के मैथ्स में बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है कि लड़के मैथ्स को हैंडल कर सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती। तो टीचर्स को जो है इस तरह की गतिविधि करनी चाहिए कि कक्षा में दोनों की समान सहभागिता हो। लास्ट है, लड़के लड़कियों को कक्षा में समान ध्यान देना। देखिए जब आप पढ़ा रहे हैं तो लड़के लड़कियों को जो है बिल्कुल समान ध्यान देना चाहिए। कभी कभी टीचर सोचते हैं अरे लड़कियों को क्या पढ़ना, बस वो पास हो जाए तो बहुत है, उनकी तो शादी हो जाएगी, और लड़कों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई इन्हें पढ़ना है, इन्हें आगे कमाना है, तो ये बिल्कुल गलत सोच होती है। आज का लड़का भी सर्विस करता है, आज की लड़कियाँ भी सर्विस करती है, तो आपको बचपन से ही क्लास में दोनों पे समान ध्यान देना है। अगर गलती लड़कियाँ भी करती हैं तो उनको भी पनिशमेंट देना है जिससे कि वो अच्छे से पढ़े और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो ये बहुत सारी पैडागॉजिकल विधियाँ हैं जो कि टीचर अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि क्लास में लैंगिक असमानता बिल्कुल ना हो और लैंगिक समानता की स्थापना हो। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो अब आप इसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।